नागपुर के इंदौरा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। ईडी ने भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत के आदेश पर और उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश खोबरागढ़ के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने आज मशाल मार्च निकाला गया। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला और पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया गया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर राहुल गांधी के समर्थन में और भाजपा के नेतृत्व वाली ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। नीलेश खोबरागढ़े ने कहा कि अगर ऐसा ही आगे शुरू रहेगा तो हम अपना आंदोलन दिल्ली तक लेकर जाएंगे, हमारे नेता को तकलीफ देंगे, तो हम इससे बड़ा आंदोलन देश के हर शहर हर इलाके में करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है और इस सभी का जिम्मेदार भाजपा को ठहराया जाएगा, ऐसा कहा है। साथ ही अग्निपथ योजना के खिलाफ भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि युवाओं के विरुद्ध में हो रही सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। आज ये जो मोर्चा है, आज ये मोर्चा हमने, ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो ईडी को आदेश देके हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो ये बार बार ईडी से टॉर्चर करवा रहे और रोज रोज बुला रहे, हम ये इसलिए हम लोग आज रस्ते पर उतरे हुए हैं। और इससे ज्यादा अगर ये ऐसे कंटिन्यू हमको हमारे नेताओं को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और हम अभी उत्तर नागपुर में किया है, अभी यहां से उत्तर नागपुर से दिल्ली तक की हमारी तैयारी है और यहां हम आंदोलन हर एरिया में, हर शहर में और हम दिल्ली तक के इसको लेके जाएंगे। आज हम लोग मशाल मोर्चा लेके गए थे, ये जो गूंगी बहरी सरकार है इनको जगाने के लिए, ये जो अंधेरे में है इनको उजाला देने के लिए हमें आज मशाल मोर्चा लेके गए थे। और ये जो आज जो भाजपा सरकार जो काम कर रही है, ये जो अग्निपथ लाया है अभी युवाओं के विरुद्ध, ये सारी चीजें युवाओं के विरुद्ध में हो रही है। आज पुतला भी जलाया बोल दो, ये एक छोटा सा पहल था हमारा, ये तो हमने भी पुतला जलाया, आगे हम और बहुत से चीजें कर सकते हैं और हम करेंगे। आगे का और विरोध प्रदर्शन हमारा और ज्यादा बढ़ेगा, हम रस्ते पर उतरेंगे और इसके बाद में जो भी हमसे कुछ होगा इसके सारी जिम्मेदार भाजपा सरकार रहेगी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।